शासन प्रशासन में किस तरह से कार्य प्रणाली अपनाई जाए, कैसे भ्रष्टाचार दूर किया जाए, प्रशासनिक तंत्र व्यवस्था कैसे किया जाए, तो ये जीवन में लोगों को अपनाने की भी जरूरत है। बहुत से लोगों ने आंदोलन को भटकाने की कोशिश की, तरह तरह के लोग सम्मिलित होना चाहे, लेकिन छात्रों ने उनको कड़े शब्दों में मना कर दिया। पेपर जो लीक हो जा रहे हैं, हम लोग यही कितनी देर तक पेपर दे फिर लीक हो जाए, पेपर दे फिर लीक हो जाए, इससे कितने आगे बढ़ पाएंगे? अगर सरकार की संलिप्तता नहीं हो तो वो कौन लोग हैं जो इस पेपर को लीक कराने का कार्य करते हैं? लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की गई समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पेपर को निरस्त कर दिया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र अब क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप इतने लंबे समय से आप लोगों का संघर्ष रहा, उसके बाद के रिजल्ट मिला? जी बिल्कुल, बहुत सालों से हम लोग लगे हुए थे। सबसे पहले तो मैं माननीय तो योगी बाबा से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि थोड़ा देरी तो हुआ है आने में, लेकिन जो भी आया है अन्याय के प्रति आया है, न्याय जो मिला है उनके लिए हम लोग जीवन भर रेडी रहेंगे। जी कुछ और लोग आपसे बात करते हैं, कहाँ कहाँ से कैसा कैसा सहयोग मिला, उसके बाद ये कामयाबी मिली आपको? सहयोग देखिए, छात्रों की एकजुटता और दूसरी बात स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जिसमें प्योर शुद्ध रूप से छात्र ही शामिल थे और उनकी नेक नियति और उद्देश्य कि हमारा पेपर कैंसिल हो। बहुत से लोगों ने आंदोलन को भटकाने की कोशिश की, तरह तरह के लोग सम्मिलित होना चाहे, लेकिन छात्रों ने उनको कड़े शब्दों में मना कर दिया, या वो आए भी तो अपना वो चोला नहीं दिखा पाए, वो नहीं कर पाए जिससे सरकार में या किसी भी पार्टी दल का ये आंदोलन लगता। ये आंदोलन शुद्ध रूप से छात्रों का दिखता रहा और एक उद्देश्य को लेकर बिल्कुल प्रतिबद्ध रहा और इसीलिए हम लोगों को सफलता मिली। तो क्या ये छात्र आंदोलन एक नजीर बनेगा, क्योंकि इसमें पहली बार छात्रों की प्रतिबद्धता देखी, कोई राजनीतिक दल नहीं था, संगठन नहीं था? जी बिल्कुल, इस छात्र लड़ाई में एक फायदा ये मिला है कि जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं, इस पेपर लीक से अब छात्रों में एक उत्साह बना है कि अगर हम लड़ाई को लड़ेंगे तो सरकार इस पर विचार करेगी, और जैसे ये पेपर निरस्त किया गया है और दोबारा पेपर एग्जाम कराया जाएगा। और आपके चैनल से मैं एक और संदेश देना चाहता हूँ इस सरकार के लिए कि जितने दो समस्याएं सबसे बड़ी समस्या है छात्रों के लिए, पहला पेपर लीक का मामला जो लगातार चल रहा है, और दूसरा आयोग के द्वारा लगातार सभी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र गलत बनाए जाते हैं, और ये मुद्दा हाईकोर्ट जाता है या फिर धरना स्थल जाता है। इसके लिए हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इन दोनों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सुधार की जाए, जो भी दोषी हो उसके घर पे बुलडोजर चले। तो छात्रों का कहना है कि जो भी दोषी हो उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आप लोगों का बहुत सारा समय जाया हुआ इस पूरे आंदोलन में, अब कैसे भरपाई होगी? कोशिश कर रहे हैं सर। पहली बात तो बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों सब लोगों की तरफ से, लेकिन अब लगातार दिन रात मेहनत करके कोशिश करेंगे कि हम मुख्य धारा में फिर से वापस आ पाए, क्योंकि इतना समय हमारा बर्बाद हुआ। अभी 17 मार्च को PCS फ्री का पेपर लगा हुआ है, हम लोग तो चाहेंगे कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन अब देखिए श्रीनेश सर की क्या कृपा होती है हम लोगों पर कि आगे बढ़ाते हैं हमारी मेहनत को देखते हुए कि हम अन्याय के खिलाफ थे, हम अपना हक चाह रहे थे, ना कि हम उनके खिलाफ थे, हम किसी के खिलाफ नहीं थे। हमारे साथ अन्याय हुआ था, हम दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे थे, फिर पेपर लीक हो जा रहा था, तो फिर आंदोलन छात्र करेगा ही। इसलिए हम लोग की लड़ाई जो है शासन प्रशासन के लिए नहीं थी, हम लोग की लड़ाई अन्याय के लिए थी, जो छात्रों के लिए आज युवा बहुत ज़्यादा बेरोजगार है आज के समय में, लेकिन अगर उनके साथ इतने बड़े स्तर पे अगर धांधली हो रही है तो उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है। कुछ और लोग हैं, अब आगे परीक्षा PCS की आ रही है, उसको लेकर भी कुछ आप लोग कहना चाहते हैं? वो तो ठीक है, वो तो जहाँ तक लग रहा है कि उस पर नहीं होगा, 17 मार्च को पेपर होके रहेगा, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है पेपर जो लीक हो जा रहे हैं, हम लोग यही कितनी देर तक पेपर दे फिर लीक हो जाए, पेपर दे फिर लीक हो जाए, इससे कितने आगे बढ़ पाएंगे, इसी पर रह जाएंगे ना। इसको शासन से यही है, सरकार से यही है, इसको पूरी तरीके से ड्यूटॉल्सन पर लाया जाए, इसको ना हो लीक वाला पेपर मामला, एकदम ना आ पाए, पेपर दे के हम लोग आगे बढ़े, फिर कोई आगे आए, इसी में घूमते रह जाएंगे, कब तक इसे पड़े रह जाएंगे हम लोग। सर बाबा जी से बस एक और रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर हम सब की कि जिस तरह से माफियाओं का उन्होंने मटिया मेट कर दिया, वैसे ही नकल माफियाओं को भी मिट्टी में मिला दें और उनके घर पर भी बुलडोजर जलाएं। धन्यवाद बाबा जी। बिल्कुल, कुछ और लोग आपसे बात करना चाहेंगे, बार बार ये पेपर लीक की बातें आते हैं, मशीनरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, आप लोग क्या राय है? देखिए ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे लिए, सरकारों के लिए, कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। ये जब भी हम जो है बचपन में जब हम पढ़ा करते थे तो ये होता था कि परीक्षा किसी भी विद्यार्थी के जो है मानसिक और शारीरिक जो है उसका चरित्र उसका आकलन करती है, लेकिन ये कौन सी सरकार है, ये कौन लोग
अगर सरकार की संलिप्तता नहीं है तो वो कौन लोग हैं जो इस पेपर को लीक कराने का कार्य करते हैं। और स्पष्ट ये चीज़ है कि बिना सरकारी एजेंसियों के, बिना सरकारी व्यक्तियों के, विभाग के लोगों की संलिप्तता के बिना पेपर लीक की प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो ये दुर्भाग्य हमारे लिए कि हमको किसी भी पेपर को देने के लिए जो पेपर लीक पहले होता है, उसके बाद आंदोलन का सहारा लेना पड़ता है। हम छात्र जो कमरों में रहकर अपने जो है माँ बाप के सपनों को सजोने काम करते, देश सेवा और राष्ट्र सेवा की भावना के साथ काम करने का सपना सजोते हैं, हमको सड़कों पर आकर जो है नारेबाजी हुल्लड़बाजी करते हुए पुलिस प्रशासन की लाठियों और बलबूटों का सामना करना पड़ जाता है। ये बहुत गंभीर प्रकरण है। ये सरकार, चाहे ये सरकारों की प्रकरण नहीं है, एक सरकार के विषय नहीं है, ये विभिन्न सरकारों की, हर सरकार में ये होता रहता है। तो वो मशीनरी पर काम किया जाए कि वो पेपर लीक की प्रक्रिया हो कैसे जाती है, उसकी जो है जो एक स्ट्रांग रूम होता है, एक वार रूम होता है, ये सारी चीजें वो कहाँ धराशायी हो जा रही है, वो व्यवस्थाएं, वो प्रक्रियाएं, तो इस पर सरकार को जो है सख्त रूप से कार्रवाई। हम लोग को पढ़ाई के दौरान सिखाया जाता है कि शासन प्रशासन में किस तरह से कार्य प्रणाली अपनाई जाए, कैसे भ्रष्टाचार दूर किया जाए, प्रशासनिक तंत्र व्यवस्था कैसे किया जाए, तो ये जीवन में लोग को अपनाने की भी जरूरत है। सिर्फ किताबों में पढ़ने में ही नहीं, इसको जीवन में भी अपनाया जाए कि किस तरीके से हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़े, भ्रष्टाचार को कैसे दूर करें, इसमें सबकी भागीदारी की बहुत जरूरत है। और देखिए सर, छात्रों का संयम इस बार आप लोगों ने बहुत अच्छा दिखाया। देखिए क्या है कि सभी छात्र लगे थे और परीक्षा जो है लीक हो गई थी, तो उसके लिए काफी छात्र निराश थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से बस दलों को साइड कर दिया आपने, छटने नहीं दिया, पास नहीं आने दिया इसको सियासी दलों को। अरे अब उनके लिए क्या ही किया जाए, उनका काम था कि वो लोग, कुछ लोग चाहते थे कि अपनी रोटी सेके, लेकिन उनकी रोटी नहीं सेकी गई। छात्र हम लोग का मुद्दा ये था कि हम लोग बस ये चाहते थे कि पेपर किया जाए, और कोई सियासत और राजनीति मतलब नहीं है। आंदोलन में एक नेतृत्वकर्ता के माध्यम से जो सारा आंदोलन सफल होता है, आंदोलन संचालित होता है। अब वो नेतृत्व की प्रक्रिया अगर छात्र अपने हाथों में ले रहे हैं तो वो नेतृत्वकर्ता है, ये राजनीति की प्रक्रिया नहीं है, वो सारी चीजें नेतृत्वकर्ता। लेकिन ये आंदोलन ऐसा था जिसमें कोई लीडरशिप नहीं थी, फिर भी आंदोलन बड़े अच्छे चलता रहा बिना लीडरशिप, जिसमें लगभग सभी छात्रों छात्र छात्राओं का सहयोग था, और इसमें पूरी तरीके से जो पेपर लीक हो रहा था उसके खिलाफ बहुत दिनों से छात्र पीड़ित थे, और इस पीड़ा को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और सभी छात्र एकजुट होकर इसलिए 23 तारीख को आंदोलन किए, जिसमें बहुत हद तक ये आंदोलन सफल भी रहा, और आयोग को ये बात नोटिस करनी पड़ी, और उसके बाद जो है, और बाद में बाबा जी के संज्ञान तक ये मामला पहुँचा। छात्रों के बीच खुशी है और आगे जाने का उत्साह भी है, आपसे जानना चाहेंगे इस उत्साह के बारे में, आप आगे क्या सोचते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये उत्साह हम लोगों छात्रों ने दिखाया, जिन्होंने पहल की, और उसमें मीडिया का पूरा सहयोग मिला, स्थानीय चैनलों से लेकर आप लोग थे, TV9 भारतवर्ष का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, विशेष रूप से आप और कैमरामैन, आपके साथी जो थे, वो लोग कड़ी धूप में और जहाँ पुलिस और धक्का मुक्की चल रही थी, बीच में बारिश भी हो रही थी, आप लोग उपस्थित रहे और शुरू से पूरा कवर करते रहे। हमारी आवाज़ को आप लोगों ने ताकत दी है, आपके साथ सभी मीडिया के लोगों ने, मुख्य धारा का मीडिया, चाहे नेशनल लेवल पर और प्रदेश लेवल पर शुरू हुआ, स्थानीय स्तर पर प्रिंट मीडिया ने भी, आपका विशेष आभार, और अन्य चैनलों ने भी आपको देखकर, आपके आने के बाद आगे आपके पीछे और सभी लोग आए, उन सभी का भी आभार। बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों के बीच में और शासन के बीच में मीडिएटर का काम किए हैं, और हम लोग की आवाज़ को उठाए हैं, बाबा योगी जी तक पहुँचाए हैं, और ये 9 चैनल जो है, G9 चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है हम लोग की तरफ से, छात्रों की तरफ से। TV9 ने छात्रों की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाया, उसके लिए बहुत हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद TV9 को। और कहना चाहती हूँ बाबा योगी जी से, ये जो नकल माफिया है, बिचौलिए हैं, इनके लिए बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और आगे कभी भी ये साहस भी ना कर पाए इस तरह से चोरी करने का, क्योंकि प्रशासन में जो शासन का तो फेरबदल होता रहता है, लेकिन शासन जो है, शासन के माध्यम से ही सारी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। ये कभी भी चोर माफिया जो भी लोग अंदर घुसेंगे, कभी भी देश के विकास में साधक नहीं बन सकते, सदैव बाधक बनेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और बाकी आगे भी हम लोग का आगामी एग्जाम भी लगेंगे, और वो भी पारदर्शिता के साथ एग्जाम कराया जाए। तो प्रयागराज में छात्रों में खुशी है, और इनका कहना है कि अब सरकार इस बात पर ध्यान दे कि जो परीक्षा के पेपर बनते हैं उनके प्रश्न गलत ना बनाए जाए, और साथ ही साथ ऐसी एजेंसी, ऐसे लोग जो लोग इस परीक्षा में सेंध लगाते हैं, पेपर लीक करते हैं, उनको भी माफियाओं की तरह, उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, और उनको भी योगी सरकार मटिया मेट करते मिट्टी में मिला दे। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।